नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक बेहतर विषय के बारे में चर्चा करने चाहूँगा। ज़्यादातर लोग आज के समय में लोन में डूबे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज उतरने का रास्ता कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने कर्ज लिया हुआ है और आपका कर्ज उतरने में नहीं आ रहा, तो आप नोटिस कीजिए कि आपने कर्ज लिया है, जो लोन लिया है किस दिन लिया है। यदि आपने मंगलवार के दिन लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, तो आपका कर्ज उतरने में नहीं आएगा। आप अपना कर्ज उतारना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन जिस व्यक्ति से आपने पैसा हाथ उधार लिया है, कर्ज के रूप में लिया है, या बैंक से आपने वो पैसा लोन के रूप में, कर्ज के रूप में लिया है, तो वहाँ पर मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर डिपॉजिट कराएं। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपके साधन बन गए और कैसे कैसे आपका कर्ज उतरता चला गया। आप किसी भी व्यक्ति को लोन के रूप में, कर्ज के रूप में पैसा उधार देते हैं या किसी को हाथ उधारा पैसा देते हैं, तो कोशिश करें कि आप मंगलवार के दिन अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को हाथ उधारा ना दें, कर्ज के रूप में ना दें। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन कर्ज के रूप में अपना पैसा दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति मंगलवार के दिन ही, जब एक व्यक्ति मंगलवार के दिन कर्ज के रूप में पैसा देता है तो दूसरा व्यक्ति भी मंगलवार के दिन ही कर्ज के रूप में पैसा लेता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का पैसा कहीं ना कहीं मरने के चांस बनते हैं, पैसा डूबने के चांस बनते हैं। जिसने पैसा दिया उसके पास पैसा लौट के नहीं आता, और जिसने कर्ज मंगलवार के दिन लिया है उसके पास कर्ज और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और उतरने के साधन नहीं बनते। आपने कभी भी लोन लेना है तो ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन कभी भी आपको ना तो लोन लेना है और ना ही लोन देना है। आप मेरी इस बात को लाइफ टाइम अप्लाई जरूर करें। आप इस बात को अपने बच्चों को भी जरूर बताएं कि मंगलवार के दिन यदि आपने कर्ज लिया है और वो कर्ज उतरने में नहीं आ रहा है, तो आप छोटी सी अमाउंट मंगलवार के दिन जिससे भी आपने पैसा लिया उसको जरूर लौटाएं। ऐसा करने से आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। आप चाहते हैं मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर लिखें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।